देते हैं। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव से पहले एक बार फिर जातिगत जनगणना का राग छेड़ दिया है। रविवार को रविंद्र भवन में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में उन्होंने जातिगत जनगणना की वकालत की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि एमपी में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये पोल खुल जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि जानकारी मिल सके, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लोधी हो, कुर्मी हो, जिसका पलटवार भी अब किया गया है। तो इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ झूठ बोलने की मशीन है, उनका झूठ बोलने में क्या जाता है। 27% के खिलाफ गया ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी एडवोकेट जनरल है जबलपुर में। ये जाति मतगणना क्यों नहीं करा? अभी किसी ने कहा पिछड़ा वर्ग 50% है भुवनेश जी, किसी ने कहा 54% है। मैं तो बड़े मजबूती से कह सकता हूं पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों है? पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी हम कराएंगे। कांग्रेस की रोज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया, ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है किस प्रकार से झूठ और उन्होंने छल किया था। 2023 के चुनाव में व्यापक तैयारी के साथ जुटे और ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करें। सच्चाई क्या है कि 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की सच्चाई क्या थी कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है, ये भी मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई को जानती है। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को ही जनता वोट देगी।